पसमंदा समाज के प्रति जब से प्रधानमंत्री ने प्रेम जागा है तब से पसमंदा समाज लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। वहीं बिल्किस बानो के मामले में पसमंदा समाज ने प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को खरी खरी और मैं अब हम आपके साथ में पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और इन्होंने पसमंदा जो आर्टिकल 41A जो एक जुडिशियल ऑर्डर है उसके खिलाफ काफ़ी वक्त से ये लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो हम आपसे दो चीज़ें पहला पूछना चाहते हैं कि जो आप आर्टिकल 41A जो जुडिशियल ऑर्डर है उसके खिलाफ आपने क्या है और आज आप बिल्किस बानो के साथ बिठ रहे हैं दोनों चीज़ें। देखिए पहली बात तो बिल्किस बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों की अपेक्षा है, उम्मीद है कि वो फिर से इन लोगों को जेल में भेजेगा। दूसरी बात कि सरकार को भी फटकार लगाएगा। मोदी जी फटकार लगाने वाले नहीं हैं, बिना उनके इजाज़त के गुजरात सरकार उन्हीं की पार्टी की है, ऐसा नहीं कर सकती थी तो वो नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अभी भी उम्मीद बाकी है, देखना है क्या कर रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि मोदी जी पसमांदा की बात करते हैं, स्नेह यात्रा में, तो हम लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों में पसमांदा में भी पसमांदा तरीन दलित मुसलमान हलाल खोर हैं, भंगी धोबी हैं, मुस्लिम मोची हैं, नट हैं, बखो हैं, पवरिया हैं, गधियारा है, भटेरा है, सपेरा है, मदारी है, इस तरह की जातियां जिनकी जिनको सच्चर कमेटी ने रंगनाथ मिश्रा ने कहा कि दलितों से हिंदू दलितों से भी उनकी हालत है, उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे तब न समझेंगे कि पसमांदा के लिए दर्द है। और उससे भी पहले जो मार काट लूट सांप्रदायिक नफरत जो मचा हुआ है उसको वो खत्म करें। लेकिन जिस तरह ये बात होती है कि हमारा जो संविधान ने जो एक रचना रची थी कि देश को उसके लिए मतलब क्या लोग जो है वो संवैधानिक धाराएं हैं उनको छोड़कर दूसरे रास्ते पर निकल गए। तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी, बिल्कुल तानाशाही कर रहे हैं, कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे हैं, दुनिया भर में देश को शर्मिंदा कर रहे हैं। लेकिन जिस वहाँ पे एक दूसरा टर्न आ जाता है तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? आसमान जमीन का फर्क है। मोदी जी के बारे में मशहूर है जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है, हमेशा आतताइयों जुल्मियों और कारपोरेट घरानों के पक्ष में वो खड़ा रहता है। लेकिन जिस तरह आप पसमंदा की बात करते हैं खासकर जो शुरू ट्राइब एरियाज हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहे हैं, उसके साथ बहुत ज़्यादा उत्पीड़न, उसमें आपने क्या काम? जल जंगल जमीन सबको लूट रहे हैं, नदियाँ पहाड़ समुद्र पोर्ट डिफेंस सब अपने नज़दीकी दोस्तों के सब हवाले कर रहे हैं। इस देश को मोदी जी बेच रहे हैं, जो काम ब्रिटिश इंडिया ने नहीं किया उससे भी खतरनाक काम कर रहे हैं।